सजनों इस संकट ऐसी बीमारी है जिसके घर में लग जाता है, जिसके शरीर में लग जाता है, दिन का चैन और रात की नींद छीन लेता है। एक एक सांस लेना सजनों पहाड़ के बराबर हो जाता है, क्योंकि संकट ऐसी बीमारी है कि किसी भी चीज में मन को नहीं लगने देता। सारी अनोड़ी ओड़े मन में आए जहां ऐसी दुखिया लड़ाउन दरबार में पहुंच जाती है। और जैसे ही बाबा की बेटी गद्दी पर विराजमान हुई तो फूट फूट के रोती है, हाथ जोड़ के होठ कांप रहे हैं और प्रार्थना कर रही, बाबा जतन ने भी ना सुनी ना तो फिर मैं फैसला करके आई हूं, मैं तेरे भावना में सिर मार मार के मर जाऊं, मन भी इस दुनिया में बसा। प्रार्थना करती है कैसे, ओ बाबा मन बचा ले आ, ओ मैं तेरी शरण में आई, बाबा मन बचा ले हो, ओ मैं तेरी शरण में आई, बाबा Thank you.
झगड़ी जरूर बनाएंगे, लेकिन एक बार हम मेहंदीपुर जाएंगे, आपको अर्जी दरखास्त लगानी होगी। तू विश्वास करके बाबा के दरबार में जाना, बाबा तेरी बिगड़ी जरूर बनाएंगे। बाबा की बेटी नरेश भगत ने दुखिया को रास्ता बताती, आइए कैसे। सच्चे मन ते ध्यान लगाइए, ये रोग कटेगा तेरा है। मन में विश्वास रखना, बाबा तेरी बिगड़ी जरूर बनाएंगे, हिम्मत मत हारना, क्योंकि विश्वास में बाबा का आशीर्वाद बसता है। तू विश्वास करना, मेरी सुनना, बाबा तेरी जरूर बनाएंगे। वो बाबा की बेटी नरेश भगत ने दुखिया की धीर बंधाती कि बहना ए मेहंदीपुर में चली जाइए, बालाजी की चली जाइए, सच्चे मन से ध्यान लगाइए।
की बेटी ने तारीख बताई, बेटी मैं इस दिन बाबा के दरबार में जाऊंगी। वो दुखिया बेटी भवन में पहुंच जाती है और अपने भाव प्रकट करती है। एक भजन और बाबा की श्रीचरणों में आई। सवार होना चाहता है एक बार सीधे हाथ उठाओ। ऊंचे सिंहासनों पर बैठे बाबा सभी को देख रहे। आज न जाने किस साथ पर भगवान की निगाह हो जाए, न जाने किसा का बिगड़ा कार्य जिस दरबार में सवर जाए जी। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ और जरा तालियों के साथ ओ बाबा मन बार तार दे, मैं के रोज रोज आऊं सुवाला जी बने बार तार दे। Hey, 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 hey
मने भी इस दुनिया में बसा दे। क्योंकि सजनो मैंने कहा ये संकट बहुत बुरी बीमारी है, दुखिया रोती है और बाबा से प्रार्थना करती है कैसे, अंगना में बाल हजी गलवा दे पलना कृपा कर दे मारे झूले ललना भाई। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ क्योंकि आपकी तालियां किसी दुखिया को बेटा दे सकती है या आपकी तालियां किसी बहन को भाई दे सकती है, क्योंकि जहां पर दवा काम नहीं करती वहां पर भक्तों की दुआ काम करती जी। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ और जरा तालियों के साथ अंगना में बाल हजी गलवा दे पलना What?
मैं भी कर लूं लाड मेरा मन तरसे से जब काम दाम करके बैठू या चिंता सारे दिन रात खाए जा बाबा कई साल शादी न हो गए कोई संतान नहीं गाल घड़ी में लिखलू आस पास की लुगाई बोली मारे मने भी एक बेटा दे के दुनिया में बसा दे भगवान औरत के जीवन में कितनी भी खुशियां दे दे अगर उसकी शादी को कई साल हो जाए और उसके घर में कोई संतान ना हो तो अपने आप को बड़ा दुखी बड़ा अकेला महसूस कर ऐसी दुखिया बाबा के भवनों में प्रार्थना कर रही कैसे छोटा सा लाल मन दे दे ओ बालाजी मैं भी कर लू लाड मेरा मन तरसे से आइए जरा ताली बजा कर छोटा सा लाल मन दे दे ओ बालाजी छोटा सा लाल मन दे दे ओ बालाजी मैं भी कर लू लाल मेरा मन तरसे से
भैया बाबा के दरबार से भरी है, जिसकी भरी है एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ, और जिसको भरने वाली हो भी उठाओ, और जिसको आस नहीं है वो बैठो या ना बैठो बराबर है। जरा तालियों के साथ, ए मेरी जोड़ी भरती है इस लाल लंगोटे आए, मेरी जोड़ी भरती है लाल लंगोटे आए, मेरी जोड़ी भरती है लाल लंगोटे आए। बेटा हुआ उधर से बाबा की बेटी नरेश भगतनी भवनों में जाने की तैयारी करती है, तो बाबा की बेटी भी तैयार होकर और गुरुजियों के संग दर्शन करने के लिए मेहंदीपुर दरबार में जाने की तैयारी करती है। तैयार होकर बाहर गली में निकली तो उसकी सखी से लीनू कहने लगी, हाँ बाणाजकित की तैयारी कि बहना पला हो नरेश भगतनी का, जिसने मन जाकर उस दरबार में शीश झुकाया, आज बाबा ने मेरी झोली भर दी और आज हमारी गुरु माता जा रही है मेहंदीपुर दरबार में, मैं भी दर्शन करके आऊंगी। किस प्रकार से अपनी सखियों में बाबा की बेटी भाव से खुशी मनाती है, कैसे सोना करके सिंगारी पूजो पवन कुमारी, बाबा लाल लंगोटे आना मारी सुने का पुकारी, और छोटे छोटे लाडवा का भोग लहूंगी, पावन कचका दामन पैर के बालाजी जाऊंगी। उठाओ और जोरदार जयकारा बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। सोना कर सिंगार तू पवन कुमार
में भाई ने कहा था, लेकिन बाबा की बेटी इस वन को दोबारा से सुनना चाहती हूँ, कोशिश करते हैं। तेरे नाम पे जीवन सारा काटूंगा, जिस दिन आवेगा मेरे बाबा गांव में लाटू बाटूंगा। हमारे मोनू भगत जी मुंडेड़ा गांव से जब लडरावन दरबार में आए तो बाबा तेरे सेवक की भी इच्छा, मेरे घर में मेरे गांव में भी तेरे नाम की जो जगे, जिस दिन तू मेरे गांव में आएगा देसी घी की सवामणि बनाकर तेरे भक्तों को बुलाकर सबको प्रसाद खिलाऊंगा, इतनी खुशियां मनाऊंगा। किस प्रकार से भाव प्रकट करता है, कैसे तेरे नाम पर बाबा जीवन काटूंगा, जीवन सारा काटूंगा, दरबार में गए भाई, सुनने लायक भजन है। भाई कुलदीप और मोहन जब बाबा के दर्शन कर रहे थे, देखिए अब अपना ख्याल होता है, दर्शन करते करते दोनों भाइयों के मन में आया कि बाबा आप मेहंदीपुर में बाल रूप में पूजे जाते हो, आपका बचपन भी देखने लायक होगा,
आपके साथी भी होंगे जो आपके साथ खेला करते होंगे। हे बालाजी महाराज, आपकी बार जब भी आप जन्म लो तो मेरे लडराउंड गांव में लेना, मैं भी आपका बचपन देखूं, आपका साथी बनूं, आपके साथ खूब खेलूं। आइए एक भजन की फरमाइश है बाबा की बेटी की। आइए थोड़ा सा रास्ता बनाएंगे बीच से, बालाजी महाराज आ रहे हैं मेहंदीपुर से चलकर, थोड़ा सा रास्ता बनाओ, रास्ता बना दीजिए थोड़ा सा, पाइया पाइया सरक लो। अरे एक एक किलो सरकेंगे जी। ए मिस्टर इधर से। इस रास्ते को बनाए रखिए, अभी आप सुंदर सुंदर झांकियां भी देखेंगे, पहले हनुमान जी का दर्शन करेंगे। आइए दर्शन करना चाहता है। आइए मेहंदीपुर से चलकर बाबा आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। मेरे गांव में लेकर जन्म तेरी आइए, गांव में लेकर जन्म तेरी आइए तू, करो
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मेरा बजरंग बालारी तेरी ओ नाच रहा मंदिर में, मेरा बजरंग बालारी तेरी ओ नाच रहा मंदिर में, मेरा बजरंग बालारी तेरी ओ नाच रहा मंदिर में। उनक जुनक जब पायल बाजे
बजरंग बली दो
जब हनुमान जी संजीवन बूटी लेकर आए, जिस बूटी को पीकर भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं, रामादल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, पत्ता पत्ता मुस्कुरा उठता है, तो भगवान श्री राम हनुमान जी को अपने सीने से लगा लेते हैं। वाह मेरे लाल हनुमान, आज आपने अपने भगवान पर कर चढ़ा दिया, मैं भी आपको वरदान और आशीर्वाद देता हूं कि कलयुग में जिस घर में तेरा नाम लिया जाएगा, मेरी कृपा वहां पर बगैर मांगे बरसेगी। जगत विधाता भगवान श्री राम हनुमान जी को वरदान देते हैं कि हनुमान जी लक्ष्मण की जान बचा कर मेरे पहचान करा सर, मेरे भक्ता में सब ते पहला तेरी गिनती आवेगी, संकट मोचन कह कह दुनिया तन है बुलावेगी। लक्ष्मण की जान बचा कर
एक बार माता रानी का दर्शन करना चाहता है और जो माँ से प्रेम करता है, जो माँ का आशीर्वाद अपने जीवन में चाहता है, एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ, ऐसे नहीं ऐसे, और माँ से प्रार्थना करो। माता रानी आ रही है, भावना से दर्शन करना, फल जरूर मिलेगा। आ जाने माँ मारे हल्की भरी जल